ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बक्सर पुलिस ने किया जाली नोट के कारखानों का पर्दाफाश। सिक्योरिटी कंपनी के संचालक कर रहा था यह अवैध कारोबार। राजपुर के मनोहरपुर में सिक्योरिटी कंपनी के संचालक ने ही गांव में खोल रखा था नकली नोटों का कारखाना, लेकिन बक्सर पुलिस की सूझबूझ के चलते ही इस कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। नकली नोट बनाने के आरोप में जेल भेजे गए कारोबारी ने जब पुलिस की कहानी बताई, उसे बताते हुए एसपी ने कहा कि नकली नोट कारोबारी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार 2018 में उन्होंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी खोली थी जिसकी शाखा हैदराबाद और वाराणसी में भी है। वह चाह रहे थे कि बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट में उनकी सिक्योरिटी कंपनी के काम करने का मौका मिले, इसके लिए वह प्रयास कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने 2-3 माह पूर्व नकली नोट छापने की कारोबार शुरू कर दिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक बार कहीं जाली नोटों की खेप पकड़ी गई थी, जिसके बारे में जानकारी दिए जाने के क्रम में यह भी समझाया गया कि किस प्रकार जाली नोट बनाए जाते हैं। यह सब देखने के बाद धर्मेंद्र सिंह ने यह काम शुरू कर दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि तकरीबन 2 माह से यह नोट बनाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सब उन्हीं नोटों को डुप्लीकेटिंग की जो उनके पास पूर्व से मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने 500 एवं 200 रुपए के नोटों की जाली नोट बनाए हैं। कुल बरामद रकम में बन चुकी जाली नोट 3,12,000 रुपए हैं, वही अर्धनिर्मित नोट 65,600 रुपए बताए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि इस बात की सूचना इकोनॉमिक ऑफिस के एसपी तथा डीएसपी को दी गई है, जिसके बाद उनके द्वारा भी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। पहले जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया। दोनों पदाधिकारी छिपाहारी में करीब जो है 3,12,000 के निर्मित 65,600 रुपये है। कैसा गिरोह है सर ये? तीन सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में हम लोगों ने उसके हिसाब से हमने काम कर रहे हैं सर। क्या और लोगों की